नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका मोबाइल फोन भी किसी ने हैक किया है तो आपको उसको कैसे हटाना है। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका फोन किसी ने हैक किया है तो आपको चेक कैसे करना है। दोस्तों, आपको बहुत सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका फोन हैक है या नहीं है, उसके बाद में आपको हटाना कैसा है। ये दोनों जानकारियां मैं आपको आज के वीडियो में दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी मेरे नए दोस्त हैं आज चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो आइए चलते हैं कि आपको अपने हैक किए हुए फोन को कैसे चेक करना है और कैसे हटाना है, ये मैं आज आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूं। अच्छा दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कॉल को कैसे हैक करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका फोन किसी ने हैक किया हुआ है, जैसे मेरे फोन को अगर किसी ने हैक किया हुआ है, तो मुझे कैसे उसको पता करना है और कैसे मैं मेरे फोन पर या मेरे आईपी एड्रेस पे जितने भी किसी ने हैक किया हुआ है उसको मुझे कैसे हटाना है। अगर नहीं भी पता है किसी ने किया हुआ है तो मैं उसको डायरेक्ट कैसे हटाना है वो वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरे दोस्त हैं नए चैनल पर आए हैं, वो चैनल के लाल रंग के बटन को, सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और जब घंटी आए तो उसको प्रेस कर दीजिए, तो मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में जाने का है, अपने फ़ोन में डायलर में जाने का है। दोस्तों, मैंने क्या है, मेरे फ़ोन को अभी आपको वीडियो बनाने के लिए हैक किया है खुद ही, लेकिन उसको हटाना कैसे वो बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको हैक करना बताया था। तो बहुत सारे दोस्तों को ये भी बताना ज़रूरी था कि अगर आपका फ़ोन हैक हो रखा है तो आपको कैसे हटाना है, और आपको इसको बार बार चेक भी करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी के नज़रिए से बहुत अच्छा फीचर है। तो आप इसको अच्छे के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को या अपने दोस्तों को, सभी को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको इस बारे में पता नहीं होता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, आपका फ़ोन हैक हो रखा है कि नहीं ये चेक करना है। ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले कॉल वाले बटन में जाना है, उसमें टाइप करना है स्टार हैश 62 हैश। अब आप इसको कॉल कर दीजिए, जब आप इसको कॉल करेंगे तो MI कोड स्टार्टेड हो गया। देखिए अब इसमें क्या आ गया, वीडियो कॉल नॉट फॉरवर्डिंग, क्योंकि मैंने क्या है पहले ही इसको अनइंस्टॉल कर दिया। अगर इसमें यहाँ पे फॉरवर्डेड दिखाता तो आपको क्या करना था, दूसरा बटन था उसमें आपको क्या करना था, टाइप करना था #SS002#, और इसको कॉल कर देना था तो MI स्टार्टेड हो जाता। आपके जितने भी कॉल फॉरवर्डिंग हैं, आपके जो अगर कॉल ट्रांसफ़र हो रहा होता तो ये रेज सक्सेसफुल हो जाता, और आप जब इसमें जाके दोबारा चेक करते *#SS602#, जब आप इसको चेक करते तो आपको ये यही दिखाई देता, नॉट फॉरवर्डेड, वॉइस डाटा है, SMS सिंक्रोनाइजेशन पैकेट डाटा। पर एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले उसको, सॉरी मेरे ध्यान नहीं रहा, मैंने उसको पहले ही कर दिया था ये वीडियो बनाने से पहले। तो ये दोनों जो लिंक हैं ये आप वीडियो में देख के, और आप ऐसे अपने फ़ोन को, अपने रिलेटिव फ़ोन को या अपने किसी के फ़ोन को वो कर सकते हो, सही कर सकते हो, ताकि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग ना हो सके या आपका डाटा कोई नहीं ले सके या आपके OTP लीक ना हो सके, क्योंकि इसको करके आपका बैंक बैलेंस तक निकाला जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो। दोस्तों, मैं आपकी सेवा में ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू। मोर वीडियो पाने के लिए जय भगवान देवी टिप्स को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।